बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था वेरिएबल्स क्या हैं, आइडेंटिफायर्स क्या हैं पैटर्न के अंदर, और आइडेंटिफायर्स का नेम्स और रूल्स क्या हैं आइडेंटिफायर्स को लिखने के, वेरिएबल्स को लिखने के। तो आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट आर द कीवर्ड्स इन पैटर्न, कीवर्ड्स क्या हैं पैटर्न में। अब स्टार्ट करते हैं, चलो। Keywords are the reserved words in pattern. Keywords क्या है reserved words in pattern में? Inside pattern, these words have its own meaning and usability. The following are the keywords in pattern. अब जो keywords हैं, जो क्या हैं reserved words हैं pattern में? Inside pattern, those words have its own meaning and usability. अब इनका अब कोई अपना meaning है और अपनी usability है, और ये predefined है पहले से, इसलिए हम इनको as a variable use नहीं कर सकते। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कीवर्ड्स कैन नॉट यूज एज आइडेंटिफायर। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, लेकिन आपको इम्प्लीमेंट करवा के नहीं बताया था, तो मैं इसको चलो इम्प्लीमेंट करवा देता हूँ, तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो इसके लिए चाहता हूँ मैं अपने एचआर में, तो यहाँ पर मैं करता हूँ एक न्यू पैटर्न फाइल क्रिएट करता हूँ। जहाँ पर आप न्यू पे क्लिक करेंगे और पैटर्न फाइल पे जाएंगे, तो यहाँ पर आपने स्टार्ट करना है कीवर्ड्स। अब सपोज मैं एक कीवर्ड देता हूँ इसको, एल्स इज इक्वल टू कुछ भी दे देता हूं, मैं इसको देता हूं ट्रू, प्रिंट एल्स। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं कंट्रोल शिफ्ट 10 से, तो ये देखें आपके सामने एरर दे रहा है एल्स ट्रू। ये देखें सिंटैक्स एरर कहां पे दे रहा है, लाइन 1 में इन ब्रैकेट सिंटैक्स। जब जैसे ही मैं इस पर कर्सर लेके जाता हूँ यहाँ पर, तो ये देखें आपके सामने ये शो कर रहा है इफ स्टेटमेंट यूज फॉर कंडीशनल एग्जीक्यूशन, इफ स्टेटमेंट इफ एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट। और ये भी क्या है कि कंडीशनल स्टेटमेंट है, और कीवर्ड्स हैं ये भी, तो इनको हम आइडेंटिफायर के तौर पर यूज नहीं कर सकते। else, हाँ मैंने एल्स को यूज किया। तो इसी तरह अगर मैं कोई और कीवर्ड्स यूज करता हूँ, जैसे मैं नन को यूज करता हूं, नो, और यहां पर मैं इसको भी प्रिंट करवाता हूं जल्दी से नन, कंट्रोल शिफ्ट F10। जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया, ये देखें आपके सामने ये फिर इनवैलिड सिंटैक्स दे रहा है। यहां पर जैसे ही मैं कर्सर लेके जा रहा हूं, ये क्या लिख रहा है, असाइनमेंट टू कीवर्ड। अब ये कीवर्ड है और इसको वेरिएबल के तौर पर हम यूज नहीं कर सकते। तो बस इसके लिए आपने इतना समझना है कि कीवर्ड्स को आपने कभी भी वेरिएबल के एज अ वेरिएबल नहीं यूज करना। तो बस ये कंसेप्ट आपने याद कर रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो भी नई वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले।